दोस्तों, क्या आपको भी लगता है कि हील्स और स्कर्ट सिर्फ लड़कियों के लिए हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो हमारा आपकी सोच बदल देगा। इस वीडियो के फोटोज एंड इंटरव्यू सोर्स vorapanda.com है। मार्क ब्रायन एक अमेरिकी हैं। वह वर्तमान में जर्मनी में एक रोबोट इंजीनियर हैं। वे लगभग स्कर्ट और हील्स पहनते हैं और बहुत ही शानदार दिखते हैं। वीडियो में बने रहें। ओ हाय, मैं इस तरह के कपड़े पहनता हूँ क्योंकि मैं ये कर सकता हूँ, बस अलग होने के लिए। मैंने हमेशा उन महिलाओं की प्रशंसा की जो टाइट स्कर्ट्स और हील्स पहनती हैं। मैं सेक्सी दिखने के लिए नहीं करता, लेकिन ऐसा कोई भी महिला करेगी। मेरे लिए कपड़ों का कोई लिंग नहीं है। मैं कपड़ों के में स्कर्ट पसंद करता हूँ। कपड़े जेंडर के भेदभाव नहीं करते, ये बस कपड़े हैं, बस और कुछ भी नहीं। तो आप भी जो भी चाहें अपनी मनपसंद से पसंद करें, आप पहन सकते हैं। मेरा विश्वास कीजिए, कुछ भी जो आपको पसंद हो, जो आपको स्ट्रॉन्ग बनाए, ये आपको कॉन्फिडेंस दे। तो मार्क, आपको हील्स और स्कर्ट पहनने के लिए क्या इंस्पायर करता है? पुरुषों के पैंट्स के साथ आपके पास कुछ ही रंग विकल्प हैं। काला, भूरा, नौशेना और भूरा और प्रिंट के साथ कोई पैंट नहीं है। स्कर्ट के साथ लेकिन आप मिक्स कर सकते हैं, रेड, ग्रीन, ब्राइट ब्लूज, फ्लोरल प्रिंट्स, एनिमल प्रिंट्स आदि। और सेम जूतों के साथ भी है। जूतों में आप और हील्स के साथ आप अलग अलग फैशन ट्राई कर सकते हैं। साथ ही जब आप मौसम अच्छा हो तो आप ओपन टूट शूज़ भी पहन सकते हैं। मैं अपने आप को अलग महसूस नहीं करता, ये सिर्फ कपड़े हैं। स्वाभाविक रूप से ठंड या हवा के दिन ये शारीरिक रूप से अलग हो लगता है। हाई हील्स पहनने पर मैं लंबा महसूस करता हूँ, लेकिन किसी कारण से सशक्त भी महसूस करता हूँ। कुल मिलाकर शायद आंतरिक शक्ति ही है जो गैर अनुरूप कपड़े पहनने के लिए मुझे आत्मविश्वास देती है, और ये मुझे मदद करती है ऑफिस प्रेशर्स को या जीवन के दबाव को संभालने के लिए। आत्मविश्वास और ताकत भी देती है। तो मार्क, आप कैसा महसूस करते हैं ये आपने बता दिया, पर आप अपने लिए स्कर्ट और हील्स की शॉपिंग कैसे करते हो? मेरी शादी को 11 साल हो गए हैं और मेरी पत्नी का मुझे पूरा समर्थन मिलता है। मेरी वाइफ अक्सर मुझे सुझाव देती रहती है कि क्या पहनना चाहिए, और मैं अक्सर अपनी शॉपिंग जो है ऑनलाइन ही करता हूँ, जिससे कि मैं घर पर उन्हें आराम से ट्राई कर सकूं। और ट्राई करते समय मैं ध्यान रखता हूं कि वो ज़्यादा फिसले नहीं या उन्हें पहनने के बाद कंफर्टेबल हों, और अगर उन्हें पहनने पर किसी भी प्रकार से पैर में चोट लग रही हो तो वो तुरंत मैं उन्हें रिटर्न कर देता हूं, क्योंकि जूते हमेशा आरामदायक और कंफर्टेबल होने चाहिए। तो मार्क, आपकी स्कर्ट और हील्स को देखकर लोग क्या कैसी प्रतिक्रिया देते हैं? आम तौर पर 30 से 40 साल की उम्र की महिलाएं मेरी तारीफ़ करती हैं, लेकिन पुरुष कभी भी तारीफ़ नहीं करते, वो कुछ नहीं करते। वो बस ऐसा ही है, जैसे आप किसी हरे बाल वाले आदमी को देखें, पहले आप उसे देखेंगे, फिर आसमान को देखेंगे, और फिर आगे बढ़ जाएंगे और अपने कामों में लग जाएंगे। तो बस ये ऐसा ही है, इसके बारे में ज़्यादा ना सोचें, बस आप जो कर रहे हैं उसे करते रहिए और खुश रहिए। तो क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ सलाह देना चाहेंगे? नहीं, कोई सलाह नहीं देना चाहूँगा क्योंकि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, लेकिन हाँ, अगर आप लोग भी कुछ करने में शर्मा रहे हैं लेकिन आपका मन करता है और आपको लगता है कि वो चीज़ आपके लिए सही है या आप करके ट्राई करना चाहते हैं, तो एटलीस्ट आप एक बार ट्राई कीजिए। आई एम श्योर आपको अच्छा लगेगा। और आप सोचिए मत ज़्यादा, क्योंकि किसी को फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप क्या सोच रहे हैं, बस। तो आप जो कर रहे हैं बस करते रहिए। थैंक यू मार्क, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बातें शेयर करने के लिए। दोस्तों, शर्माइए मत, डरिए मत, याद रखिए डर के आगे जीत है। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो हमें कमेंट में पूछिए,
हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में। कमेंट में बताएं हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। प्लीज सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन, लाइक, शेयर एंड कमेंट करते रहिए हमारे चैनल पर। थैंक यू।